सो आज है ईद उल अज़हा और मामा ने अभी कढ़ाई गोश्त बनाया, अभी हम लोग वो खाएंगे और इसके बाद हम लोग कहीं जाते हैं, देखते हैं कहाँ पहुँचाएंगे, साथ में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स सी, अभी मामा ने कढ़ाई गोश्त बनाया और बहुत 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 टेस्टी है, अभी हम लोग ये खाएंगे जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद बैठ जाएंगे। अभी हमारा प्लान बन गया कि अभी हम लोग अलचलाल जा रहे हैं, वहाँ पर जाकर रोलर कोस्टर के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो अभी अलचलाल पर चल के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वहाँ पे ईद के दिन पे कितना ज़्यादा रश होता है। सो लेट्स सी, अब हम लोग आगे अलचलाल पे, यहाँ से अभी मैं टिकट्स बाय करूँगी। थैंक यू। तो अभी मैंने टीवी ले लिया, सो अभी एंट्री करेंगे और फिर राइड्स लेंगे। और ये है अंदर से अलचलाल। यहाँ से अपनी बहन विश बैंड ले लिया क्योंकि उससे पहले नहीं थी, सो वी आर वेटिंग एट द लाइन। क्यों नहीं थी ली पहले? पहले मैंने सोचा कि पहले एंट्री तो कर ले। यहाँ पे सोचेंगे कि आइस स्केटिंग करूँ राइड्स लेने के बाद, लेकिन मसला ये है कि मुझे आइस स्केटिंग करनी आती है नहीं है, तो लेट्स सी के एंड तक मैं लूँगी कि मतलब आइस स्केटिंग करूँगी कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे इतनी अच्छे तरीके से करें, जब मैं यहाँ पे गिर गई तो क्या होगा, मेरी इज्जत कितनी रह जाएगी। सो लेट्स सी अगर मैं आइस स्केटिंग करूँ से, ये बेचारा मुझसे एक ऐसा ऐसा चल रहा है, मेरे ख्याल से मैं भी अगर आइस स्केटिंग करूँ तो ऐसे ही करूँ। शिप पर बैठने जा रही हूँ जो कि मेरी बचपन की मोस्ट हेटेड राइड थी, मतलब मुझे इस राइड से इतना डर लगता था कि मतलब मैं बैठ ही नहीं थी सकती थी। तो अभी मैं इसके ऊपर जाके ट्राई करूँगी कि अभी भी फर्स्ट राइड होगी। हाँ, तो ये अभी हमारी फर्स्ट राइड होगी और इस पार्क का नाम शिलाल इसकी वजह से, क्योंकि ये भी शिलाल है और ये पार्क भी शिलाल है। आर यू एक्साइटेड गर्ल्स? तो अभी हम लोग बैठेंगे जिस पे, अभी हम लोग लाइन पर इंतज़ार कर रहे हैं, तो देखते हैं कब तक हमारी बारी आएगी। यहाँ पर देखें कितना रश हो, पता नहीं हमारी बारी कब आती है। तो अब हम लोग बैठ चुके हैं, अभी हम लोग राइडिंग चलने का इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं डर लगता है कि नहीं, रिव्यूज देंगे लाजमी। मामा को भी मैं दिखाती हूँ, मेरी मामा भी देख रही है। मामा हमारे ऐसे इंतज़ार कर रही हैं, वैसे हम लोग पता नहीं बोर्ड पर बैठ के काम करने जा रही हैं। क्या बढ़िया, मैं कह रही हूँ डर नहीं लगेगा ना, फिर भी चीखे मारिए, मज़ा लेंगे फुल। हम अपने सफर के लिए तैयार हैं, अभी हमें कासमान पहुँचे, इट्स नाइस, अभी राइड स्टार्ट होंगे। और अगर मेरे हाथ से मोबाइल छूट गया तो मेरे स्मार्टफोन अपनी तरफ कटती ना। था कि मैं रिव्यू दूंगी, अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, मतलब ज्यादा मजा आया यहां पे बैठने का। बस जब बैक हो जाती थी तब डर लगता था, मतलब इतना नहीं था, लगता था हमने फजूल पे चीखे मारी है एंजॉय करने के लिए, लेकिन मजा आया। अभी हम लोग जा रहे हैं रोलर कोस्टर की तरफ, वहाँ पे बहुत 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 ज्यादा लाइन पर रश होगा, तो फिर भी हम लोग बैठेंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम रोलर कोस्टर को इंजॉय करने। साथ आते भी देख रहे हैं ये अलचलाल, प्यारे, बहुत प्यारे, लेकिन ईद पे आके यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। अगर आप लोग नॉर्मल दिन पे आओगे तो मज़ा आएगा क्योंकि रश कम होगा, लेकिन इंजॉय करने तो आ सकते हो आप लोग। सर फिलहाल इस रोलर कोस्टर की वजह से आई हूँ और अभी इस पर एक्सपीरियंस करेंगे। हम लोग लाइन पे लगे हुए और आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है यहाँ पे, और अभी हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा और ऊपर जाके मैं वीडियो बना नहीं पाऊँगी क्योंकि मोबाइल गिर सकता है, सो ये वैसे भी अलाउ नहीं करेंगे। डर रही है
हमने रोलर कोस्टर ले लिया, था सुपर 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 स्केरी, लेकिन हम लोग फिर अब दोबारा जा रहे हैं क्योंकि भाई नहीं था पहले आया, तो अब भाई को भी साथ लेके हम लोग जा रहे हैं। वो डर रहा था बहुत, और ये पन्नी फुल डर गई थी बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे इतना मज़ा आया कि मैं दोबारा बैठ लेती हूँ। मैं ऊपर गई, डर लग रहा था, मैं आप ही को बुला रही हूँ, आप ही, और मेरी बहन मुझे कह रही मैं नहीं ऊपर ही हूँ। सुपर स्की और बहुत मज़ा आया, फिर सब लेंगे, फिर से बैठे थे रोलर कोस्टर पर। पहली दफ़ा डर लगा था, अब डर नहीं लग रहा था, सही बात है। तब हम लोग जा रहे हैं हंटेड हाउस पे, लेट्स गो इनसाइड। तीन लाइन में यहाँ से अंदर जाने लगी, मैं यहाँ से जाकर लोगों को डराऊंगी। हमारा सफर शुरू हो चुका है, वो देखो बैठे हैं। तो अब हम इस कैब में बैठे हैं जो कि इसकी कैब है। हमारे दो जन्स हुए यहाँ पे बैठे हैं और हम दो बहनें अलग बैठी हुई है, पीस आउट। तो अभी साथ कर रहे हैं, छोटा सा बेबी भी बैठा है यहाँ पे। इसकी कैब है, फाइनली दिख गया। मैं बहुत कोशिश करी थी लेकिन नहीं दिख पाया। मरियम डर लग रहा है? नहीं, ये रोलर कोस्टर के बाद ही लग रहा है, लेकिन अब देखते हैं क्या पता है। उससे ज्यादा और डरावना नहीं हो सकता ऐसा। अभी भी हम लोग बैठ इसके ऊपर गए, लेकिन हम लोग बातें रोलर कोस्टर की कर रहे हैं। और अभी हम लोग ट्राई करेंगे इसके बाद। ये कहाँ गई? ओके, वो अभी बंद है। अच्छा, मेरी बहन को इसके ऊपर बैठने का शौक है, मुझे पता नहीं है कैसे मेरे ख्याल से स्टार्ट होने लगे। डर लग रहा है, ये तो सोच में घूम ही जा रहे, पता नहीं अब और कुछ होना ही कि नहीं। मरियम डर नहीं लग रहा, बस ये इतना ही है। सच्ची मेरे साथ अल्लाह अल्लाह के नाम पर उस पर तो मिर्गी पड़ गई है। फाइनली अब हम लोग कहाँ बैठने जा रहे हैं, इतना गोल गोल घूमता है क्यों, इतना मजा आ रहा है आपको? क्या आप लोग मोबाइल नहीं लेके जाए, क्योंकि हमें रिस्क नहीं लेना, हो सकता ज्यादा डर लगे तो मोबाइल ही गिर जाए। बहुत ज्यादा मजा आया, मैंने तो पहले फेयर ले चुका हूँ मैं ये वाले, लेकिन आपका फर्स्ट टाइम। हाँ, मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं बहुत छोटी थी। बहुत मजा आया। अब हम लोग जा रहे हैं डोजिंग कार पे, टकरे मारेंगे एक दूसरे का। ऐसा आ गया था कि मुझे झूले में बैठ के एकदम ऐसे लगा कि पता नहीं क्या होने लगा, मैं नीचे गिरने लगी। इसकी आंखें गिरने वाली थी लिटरली, मैं यहाँ आंखें बंद करके झूले लेती है। लेकिन अभी हम लोग डोजिंग कार पे जाएंगे। इतना रश है कि यहाँ पे खड़े होके करना बहुत बेवकूफ़ी है, तो अभी हम लोग कोई और राइड ढूंढते हैं। ये मेरे बचपन की मोस्ट लव्ड राइड थी, इसके ऊपर मैं बैठी रहती थी। अगर आपने राइड्स नहीं लेनी अच्छे एरिया पर, मतलब आप घूम फिर भी सकते हो। तो
मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। प्लान बने कि हम लोग इसके ऊपर बैठेंगे, ये भी काफी ड्रोन और काफी लंबा है, मोबाइल का नहीं आ रहा, लेकिन अभी हम लोग इसके ऊपर बैठेंगे। रेस्टोरेंट पे आ गए हैं थक हार के, इतनी ज़्यादा राइड्स लेके बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया और बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और अभी रात के 3 बज रहे हैं और हमें बस एक ये रेस्टोरेंट मिल रहा है और यहाँ से अभी हम एक शवरमा खाएंगे, इसलिए रश भी बहुत कम है, वरना नॉर्मली इतना रश कम नहीं होगा। सो लेट से भी हम एक शवरमा खाएँगे। सारा खाना आ गया, अभी मैं इसको खाऊँगी क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा लग गया, क्योंकि थक भी हम लोग बहुत ज़्यादा गए थे। सो अभी मैं खाना खाने लगी हूँ। गाइस ये थी आज की वीडियो, आज मैंने बहुत 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 ज़्यादा इन्जॉय किया, मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने इन्जॉय किया उतने मैंने वीडियोस पे भी आप सबको कराया गया। आप लोगों को अच्छी लगी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन करें। इसी नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज़। मेरे इंस्टाग्राम को भी जाकर फॉलो करें।